गया था और मैंने उसी दिन कहा था चुनाव होने के 3-4 घंटे बाद कि हम लोग 49 सीट जीत के अपनी सरकार बनाएंगे। तब आप पत्रकार कह रहे थे 49 सीट क्यों कह रहे हो, मैंने कहा चलो 48-49 बोल देता हूँ। ये तो 50 पे चल रही है सर, इससे ऊपर कितनी भी जाए नहीं पाएगी। मैं पूरे प्रदेश का सर्वे करने के बाद मैंने ये बात बोली, क्योंकि पूरे प्रदेश में मेरा संबंध संपर्क था। दो बार मैं प्रदेश का पूछ रहा हूँ, हर मैंने चर्चा की, चर्चा करने के बाद एनालिसिस निकला 49 सीट जीतेंगे और मैंने आप लोगों को तुरंत बताया था कि 49 सीट पे, आपने कहा 49 की, मैंने कहा 48 बोल दूंगा, 48-49। अच्छा महिपाल जी, जब भी हमने आपसे बात की आपका पूरा कॉन्फिडेंस था और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, जबकि एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे, लेकिन आपने और जीत भी सबसे गलती भी की है, इसने भी अपना सर्वे अपने हिसाब से क्या हो सकता है, जब वो सर्वे कर रहा था तो कुछ कांग्रेस के लोग या और तो कुछ कर रही थे, मीडिया वाले के आगे पीछे घूमया कर और मीडिया वाले बेचारे जो उनके सामने आया उससे पूछेगा, उससे पूछा तो अच्छे चढ़ गए कांग्रेस वाले, वो बोले जी कांग्रेस कांग्रेस आपने भी कह दिया कांग्रेस कांग्रेस, मगर जनता तो बीजेपी बीजेपी कर रही थी। सर आप एक चीज बोलते थे, प्रांतीय गली पाड़ रखी है, अरे ये गली सीधी बताइए तो वो पाड़ी भी मने पाड़ी, इसलिए तो उसमें सीवर डालना था, पीने के पानी की पाइपलाइन डालनी थी। कांग्रेस ने 50-60 साल में जो इस देश में इस प्रदेश में इन गलियों में गड्ढे खोदे थे, जो पाप किया हुआ था उसको तो भरना था। हम लोगों ने डेवलपमेंट के नए विकास के नए आयाम छुए साहब जी, हमने प्रदेश में जो मूलभूत सुविधाओं का टूटा पड़ा हुआ था जिसके लिए कांग्रेसी लोगों को तरसाते थे, इसके रैम करते तो वो भाई गली बना दी तो पता नहीं कितना बड़ा उपचार कर दिया। हम लोगों ने समस्याओं का समाधान किया है, एक हमने विकास की नई गाथाएं लिखी है। हरियाणा प्रदेश में हमारी बच्चियां पढ़ती नहीं थी क्योंकि उनके लिए एजुकेशन के सेंटर, हमने हर 20 किलोमीटर के दायरे पे एक महिला को छोड़ के अपने प्रदेश की बहन बेटियों के लिए वो किया जो कांग्रेस सपने में सोच भी नहीं पाई। आज हमारी बच्चियां एजुकेशन लेके वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही है। लखपति दीदी बनाना ये देश के प्रधानमंत्री का सपना होता है, लोग ये सोच तक भी नहीं पाए, सोचते क्या। हमारे प्रधानमंत्री ने अपना विजन देश की जनता के सामने रखा, देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के विजन को समझा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोग और सरकार आज भी प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए दिन रात एक करने में लग गई। प्रधानमंत्री जी का विजन अकेले प्रधानमंत्री जी का नहीं, 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद का विजन है। उन्होंने जगह जगह पर पीपियाँ रखवाई आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे, सजेशन मांगे और उन सुझाव के आधार पर लोगों से अपील की कि हम लोग इस रास्ते पर चलेंगे, ये करेंगे तो इससे हमारे देश का भला होगा, कल्याण होगा और हमारे क्रांतिकारी स्टेप दुनिया में हमें सबसे ताकतवर बनाएंगे। और इसी दृष्टि से लोग काम पे लगे, नतीजा ये निकला, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कमल पर विश्वास जताया और आज वो कमल स्पष्ट बहुमत से हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे लगता है कि पहली बार हम लोग कमल खिलाने के लगभग आसपास में हैं। अगर जम्मू कश्मीर में कमल खिल गया तो एक बात ध्यान करिए कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर अपने प्रदेश में मिला लेंगे। और जी हमारा जी प्राथमिकता आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए हर वर्ग का कल्याण करना, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर व्यक्ति से वैसा ही सोचना जिससे हरियाणा को आर्थिक रूप से तेजी मिले, विकास के रास्ते खुले और मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करा के लोगों से हम लोग ये सुझाव मांगेंगे कि आपका सपना क्या है और उसके लिए आप क्या चाह रहे हो, ताकि हम लोग लोगों की बातों को जी के आत्मविश्वास की जीत है, क्योंकि मोदी जी के
के नाम की जो वेव इस प्रदेश में चल रही है उसको ये कांग्रेस कभी आकलन नहीं कर पाए। हम लोग तो जगह जगह जब गाँव गाँव में जा रहे थे और नीचे भी जा रहे थे और ये हमें देखते बोलते थे हमारे वोट तो मोदी जी को जाएगा और बहने जिस तरीके से मोदी जी के नाम को लेके मोदी जी की वेव अंदर ही अंदर हर मनमोहन जी के बाद सर अब आपको जो पद के लिए अगर बात की जाए जिस तरीके से खत पड़ा है तो आप क्या कहेंगे हम देख जरूरी है जरूरी है।